हमारे साथ अशोक दास जी हैं, इंटरनेशनल कबड्डी के जो कंपटीशन बर्मिंघम में होना है 2025 में, उसके ऑर्गेनाइजर हैं। अशोक दास जी, आप हिंदुस्तान से हैं, लगभग 90s के अर्ली 90s में आप यूके पहुंचे और आज 2025 में ये कंपटीशन होना है, क्या रूल्स हैं, कितने टीम्स हैं और कहां कहां से लोग आ रहे हैं, क्या इंथुजियाज़म है? ऐसा है जी कि कबड्डी जैसे आप देख रहे हो इंडिया में सेकंड टू क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा वॉच की जाती है, तो ऐसे ही वहाँ काफ़ी देर हो गई। 93 में मैंने शुरुआत की थी, 2004 में मैंने इंग्लैंड कबड्डी एसोसिएशन का क्या शुरुआत करी थी, तो स्लोली स्लोली ये अपना यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करी, फिर यहाँ ब्रिटिश कबड्डी लीग स्टार्ट हुई और जो ब्रिटिश आर्मी में आर्मी है उसमें करी। तो क्या था थीम कि अभी कुछ बड़ा किया जाए, कि लोगों को पता चले, इसका एक्सपोजर हो, कि जो लोगों को कभी मौका ही नहीं मिला बाहर जाने का, आने का, जब प्लेयरों को अपने आप को एक्सपोज करने को मौका नहीं मिला, उनको मौका मिले। जैसे इंडिया में अभी लीग चल रही है तो उसमें सिलेक्टेड प्लेयर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं जो अभी बाहर बैठे हुए हैं। तो जो वर्ल्ड कप है, ये मिडलैंड जो अपना ग्रोथ कंपनी है और दूसरी जो मिडलैंड कंबाइंड अथॉरिटी है, उन्होंने बोला कि हम यहाँ कप करना चाहते हैं, क्योंकि जो मिडलैंड है वो आपको पता है कि एशियंस, इस फुल ऑफ एशियन इज लाइक इंडिया और इंडिया, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, लोगों को आने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, यहाँ जो लोग देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं। दूसरा सबसे जो मेन है कंबाइंड, ये जो गेम है जोड़ती है, जैसे हमारे मेन लोगों को क्या है, कुछ है ही नहीं है, दूसरी गेमों में इंटरेस्टेड नहीं है, हम अपने बच्चों को बोलते हैं बिजनेसमैन बनो, जहाँ कोई सोलिसिटर बनो, डॉक्टर बनो, तो स्पोर्ट्समैन में नहीं डालते। इसके जरिए एम ये है, उनको ये पता चलेगा कि हमारी कबड्डी यहाँ खेली जा रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं खेल रहा, तो ताकि वो भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, फुटबॉल क्रिकेट सभी डालते हैं, लेकिन कम से कम कबड्डी कबड्डी में डालें। कबड्डी को क्या सोचते थे, थर्ड गेम, जहाँ रूलर गेम, नहीं, अभी आप देखो जो इंग्लैंड की टीम है उसमें डॉक्टर्स हैं, जो हमारी टीम में खेलते हैं डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, ऑप्टिशियंस हैं, इंजीनियर हैं, वो पहले वाला टाइम चले गया, अभी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, दिस इज़ ए जेंटल गेम, जेंटल गेम। और दूसरा क्या है, इसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। कितने टीम्स वर्ल्ड वाइड इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और क्या मेन और वेमेन दोनों की वर्ल्ड कप एक साथ होंगे? इसमें जो हमारा एट प्रेजेंट का जो टारगेट है उसमें 16 कंट्री और मेंस की होंगी और 8 कंट्री जो होंगी अपना वीमेंस की होंगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा वीमेंस, क्योंकि हर क्षेत्र में हर जगह पे उनको पीछे छोड़ा जाता है। नो, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, दे वांट बोथ टुगेदर, नो डिफरेंट फॉर द जेंडर। तो इसमें 8 जो इस टाइम की बात कर रहा हूँ, 8 हमारी होगी वीमेंस की और 16 होगी हमारी मेंस की टीम। तो हमारे पास इस टाइम 55 कंट्रीज है जो खेलते हैं, तो 5 कंटिनेंट में जो भी टॉप होंगी थ्री टीम वही आएंगी। और वुल्वरहैम्पटन और बर्मिंघम दो काउंसिल्स हैं जो कम्पीट कर रही हैं इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए, आपके लिए तो विन विन सिचुएशन होगा। विन विन सिचुएशन, यस, ये आपकी बात बहुत है कि हमें कमी नहीं आएगी किसी की आम फंडिंग की, तो दोनों कंबाइन अथॉरिटीज हैं, लेबल्स फंडिंग बनी, उसमें आपने जो कहा है कि बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत बड़ी गौरव की बात है, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, ये वहाँ भी वर्ल्ड कप होगा। आपने देखा यहाँ जितने भी वर्ल्ड कप या बड़े इवेंट हुए इंडिया में हुए, बाहर कभी नहीं हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम इसे हिस्ट्री मेकिंग आती है। हिस्ट्री मेकिंग ऑल्सो बिकॉज बर्मिंघम शहर आपका अपना शहर है, मैं भी बर्मिंघम में बहुत साल वहाँ काटे हैं और वो बहुत एशियन लगता है, बहुत अपना सा लगता है। आई थिंक दैट कुड बी अनदर पैशन और अनदर रीजन फॉर यू टू ब्रिंग कबड्डी टू बर्मिंघम अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलैरिटी एंड द एशियन कम्युनिटी देयर। आपकी बिल्कुल बात सही है जो आपने कहा है, ये जो बर्मिंघम की बात आपने कही है उसमें लगता ही नहीं है। सो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कबड्डी मेरे इस कंट्री से, मेरी कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही है, वो भी तो आपकी ही कंट्री है, वही तो बोला ना कि उस कंट्री में जा रही है। अभी देखो वहाँ के कंट्री में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं तो सोचता नहीं कुछ डिफरेंस है, मुझे तो यही लगता है इंडिया है लेकिन लिटिल डेवलपमेंट है। एक आखिरी सवाल, कितना बड़ा इसको यदि हम मानेंगे कितना व्यापक होगा
इसमें कितनी फंडिंग आप एक्युमुलेट करना चाह रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, ताकि ये समझ में आए कि फर्स्ट वर्ल्ड कबड्डी टूर्नामेंट जो होना है इसकी क्या व्यापकता होगी। देखो, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ मेरा जो हमारा जो नज़रिया है, सारी कमेटी बैठेगी, इसको बेस्ट करना है, बड़ा करना है। सबसे प्रायोरिटी ये है जो बच्चे खेलने आएंगे, जो प्लेयर खेलने आएंगे, उनको बेस्ट फैसिलिटी मिले। सबसे ज़्यादा सपना यही है हमारा, उनको बेस्ट फैसिलिटी मिले, वो एक याद रखें ये फर्स्ट टाइम इस धरती पर कुछ हुआ था और फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप हुआ था, और मीन्स उनको किसी चीज़ की कमी नहीं।